राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री गौर निताई जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज आप सभी भक्तों का स्वागत है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन अवार्ड सेरेमनी में। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी। हरी बोल। दोनों हाथों पर करके एक बार जोर से दोबारा हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे सभी ने जोश के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी इस कौन फरीदाबाद के टेंपल प्रेसिडेंट हैं और ये हमारा एक परम सौभाग्य है कि हमें आज प्रभु जी का संग मिल रहा है। प्रभु जी के मुख से हमें प्रवचन सुनने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी गृहस्थ हैं और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी फरीदाबाद में ग्रस्त कम्युनिटी को भक्ति में जोड़ने में बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत सफल भी हो रही है, जिसके फलस्वरूप फरीदाबाद में बहुत ही अधिक संख्या में ग्रस्त कम्युनिटी इस्कॉन कॉन्ग्रीगेशन का हिस्सा बनी है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की आज्ञा से प्रभु जी और माता जी हर ग्रेस कृष्ण गंगा माता जी के प्रयासों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्रीगेशन तैयार किया गया है। प्रभु जी की देखरेख में फरीदाबाद मंदिर में प्रचार प्रसार का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विभिन्न स्थलों पर महाराज जी के प्रोग्राम्स होते रहते हैं और प्रभु जी की इनकी देखरेख में ही वो प्रोग्राम्स होते हैं। प्रभु जी मतलब प्रोग्राम्स को संभालते हैं, कैसे मैनेज करना है ये सब प्रभु जी की देखरेख में ही होता है। और प्रभु जी अपनी साधना में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है, साधना में दृढ़ होने के कारण ही इसके फलस्वरूप भी हम सब भक्तों को प्रभु जी का मतलब संग प्राप्त होता है और प्रभु जी हम जैसे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब अग्रसर करते हैं। हमें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और फरीदाबाद में जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है प्रभु जी की देखरेख में, वो बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है और उसका बहुत सुनहरा भविष्य है। तो एक बार हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे यहाँ इस्कॉन भादुगढ़ मंदिर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद इसके नित्यानंद आश्रय प्रभु जी का। तो आप लोगों भी उनका आश्रय ले रहे हैं और मैं भी उनका आश्रय ले रहा हूँ। तो प्रभु जी ने मुझे सेवा का अवसर दिया अपने शुद्धिकरण के लिए और मुझे भक्त बता रहे थे कि आप सब लोगों ने मिलकर करीब 25,000 भगवद गीता का वितरण किया। 25,000 हरी बोल। तो बहुत अमेजिंग है। तो एक बहादुरगढ़ वैसे तो हरियाणा में आता है ना, इट्स लाइक फरीदाबाद हरियाणा में है, तो एनसीआर का पार्ट है। तो दिल्ली का कोई छोटा सा एक कोना ही एक तरीके से, परंतु वहाँ पे इतने अद्भुत भक्त हैं जो मिलके इतना विशेष प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पे वैसे तो पहली बार इनॉग्रेशन पे आया था तो लोग बोलते हैं कि वृंदावन का विस्तार है, वही मॉडल है और इवन वो भी ऊपर भी आपने नेट भी ऐसे लगाया हुआ है जैसे वृंदावन में लगता है, तो पूरा उसका स्मरण हो रहा है। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सबके बीच में आके आपसे उत्साह ले पाऊँगा कि और ले रहा हूँ कि कैसे भगवान की सेवा करें एकजुट होकर। और आसपास आपके 2-3 सेंटर्स भी हैं शायद, रोहतक एंड ऑल, आठ सेंटर्स हैं। हरी बोल। आठ सेंटर्स हैं तो सब मिलके बहुत विशेष प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम राधा माधव करके और फिर थोड़ा सा हम कुछ चर्चा करेंगे और फिर आप जिस विशेष कार्य के लिए आए हैं, भगवान का विशेष उपहार आप सबके लिए जिन्होंने ग्रंथों का वितरण किया, फिर हम वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हरे कृष्णा। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जयो गोपी जनवल्लभ
गिरिवर धारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नीताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल जयम विष्णुपाद परमहंस परिजगाचार्य स्तोत्र श्रीमद्भवे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य बीवीटी फाउंडाचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिजगाचार्य स्तोत्र श्रीमद
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसलेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। समवेत गौर भक्त वृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल 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 ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग शिल प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम से एक श्लोक है उसको थोड़ा सा रिसाइट करेंगे और उसके बाद हम कुछ 15 मिनट के लिए कुछ चर्चा करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद्भागवतम में जब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हैं और सूत गोस्वामी से कई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें से एक प्रश्न पूछा गया कि जब भगवान यहाँ से इस संसार को त्याग कर या छोड़कर चले गए तो फिर धर्म का क्या हुआ, क्योंकि धर्म तो भगवान के चरणों में निवास करता है। भगवान तो चले गए तो धर्म का क्या हुआ, तो उसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं। आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। कृष्णे स्वधामा उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलो नष्ट दिशाम ईशः पुराणर्कः अधुना उदितः। कृष्णे स्वधामुपगते कृष्ण धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणर्को अधुनोनितः। तो इसका तात्पर्य अनुवाद इस प्रकार से है, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा उसका। दिस भागवत पुराण इज एज ब्रिलियंट एज द सन। ये जो भागवत पुराण है ये सूर्य के समान प्रकाशमान है। एंड इट हैज एरिजन जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू हिज ओन अबोर्ड। और भगवान कृष्ण अभी अभी यहाँ से गए हैं अपने धाम में, स्वधाम उपगते अपने धाम में गए हैं। उनके जाने के बाद एकदम बाद ये भागवत पुराण का जो सूर्य है इसका उदय हुआ है, accompanied by religion, knowledge, etc. और ये जो भागवत पुराण के सूर्य का उदय हुआ है क्या ये अकेला आया है? नहीं, ये धर्म और ज्ञान इत्यादि को साथ में लेकर आया है। Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. इस कलयुग के जो जीव हैं, जो कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार में अपनी नज़र खो बैठे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे, उनको रोशनी मिलेगी। किसके माध्यम से? इस भागवत पुराण के माध्यम से रोशनी मिलेगी। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय। तो ये भागवत पुराण है, ये सूर्य के समान प्रकाशमान है और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम में जाने के कुछ ही क्षण के बाद इसका उदय हुआ है और ये साथ में धर्म और ज्ञान इत्यादि को लेकर आया है। कलयुग के जो जीव हैं, जो अपनी दृष्टि खो बैठे हैं अज्ञान रूपी अंधकार के कारण कलयुग के प्रभाव से, उनको प्रकाश मिलेगा इस पुराण के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जिसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस तरह भगवान प्रकट होते हैं। भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की क्षति होती है तब तब मैं यहाँ पर आता हूँ। और जब आते हैं, क्यों आते हैं भगवान? धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म का मुख्य भगवान का कार्य है धर्म की स्थापना करना। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, परंतु भगवान चले गए तो धर्म का क्या होगा? तो बता रहे हैं भगवान जाने के बाद किसको छोड़ गए? भागवत पुराण को छोड़ गए। व्यास देव जी के माध्यम से भागवत पुराण को छोड़ दिया। ये तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है धर्म की शरण लेना। वास्तव में हम मनाते तो हैं स्वतंत्रता दिवस। शिला प्रभुपाद 1922 में 100 साल पहले जब अपने गुरु महाराज को मिले थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने पहले दिन ही बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे युवक हो, क्यों नहीं तुम बाहर जाते विदेशों में और भगवान की वाणी का प्रचार करते। तो प्रभुपाद जी, उनका नाम उस टाइम अभय था, बोला कि स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हम गुलाम हैं, अभी हम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, प्रभुपाद जी उस टाइम गांधीवादी थे, गांधी जी के आंदोलन में भी थोड़ा हिस्सा लेते थे, तो अभी तो हम भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करें या वहाँ पर जाकर आप कहते हैं अंग्रेज़ों को प्रचार करें, कौन हमारी बात सुनेगा, हम तो गुलाम हैं। तो शिला भक्ति सरन ठाकुर ने बोला कि तुम किस स्वतंत्रता की बात करते हो, तुम्हें लगता है ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे? वास्तविक स्वतंत्रता ये नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करना। स्वतंत्रता क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण उससे ऊपर उठना, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना इमरजेंसी है इसकी लगी हुई। जब इमरजेंसी होती है ना, सरकार के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं, इमरजेंसी है। या अभी कोरोना आया था, इमरजेंसी थी, सारे नियम साइड पर चले गए। तो ये इतना इमरजेंसी है कि और किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो बात हम करते स्वतंत्रता की, तो जीव के पास केवल यही स्वतंत्रता है। हाल मैं बोल रहा था मनाते हैं भारत आज़ाद हुआ या अमेरिका आज़ाद हुआ या हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हैं और नहीं हैं। हमारी आज़ादी केवल इतनी है, हमारी स्वतंत्रता केवल इतनी है कि धर्म की शरण लें या धर्म की शरण ना लें। और जीव स्वामी तो बन नहीं सकता, जीव सदैव आश्रय में रहेगा। या तो धर्म की शरण लेगा, धर्म का आश्रय लेगा, और जब धर्म का आश्रय नहीं लेगा तो किसका आश्रय लेगा? अधर्म का आश्रय लेगा। जीव के पास केवल ये दो चॉइस है, धर्म का आश्रय या अधर्म का आश्रय, धर्म की शरण या धर्म की शरण, धर्म का पालन करना या धर्म का पालन करना। तो जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं, बताया है चैतन्य चरितामृत में आता है असंख्य तरह की जीवात्मा हैं, असंख्य जीवात्मा नहीं, असंख्य तरह की जीवात्मा है, वेराइटीज, देयर आर सो मेनी वेराइटीज। उसमें कुछ चल हैं, कुछ अचल हैं, जो चल हैं उसमें पशु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उसमें क्या है? कुछ मनुष्य हैं, जो मनुष्य हैं उसमें भी क्या है? कुछ जो हैं वो सभ्य हैं या सिविलाइज हैं। ये जो सभ्य हैं इनमें से भी कुछ हैं वो क्या करते हैं? धर्म को समझते हैं, धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य जीवन धर्म का जीवन, हम सब सुनते हैं महाभारत में बोला है ना, वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा समानम एतत् पशु भी नरानम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेना ही ना पशु भी समाना। रसगुल्ला हम भी खाते हैं और मल वो भी खाता है,
एसी कमरे में हम भी सोते हैं और सड़क पर वो भी सो जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए हम भी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वो सड़क पे कर लेता है। कौन? पशु। तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है जहां तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन की बात है। हाँ, अंतर है, हम पकाकर खाते हैं, वो कच्चा खाते हैं। हम बुद्धि का दुरुपयोग, हम 24 घंटे इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके वही खाना होता है, वो बिना मेहनत किए खा लेते हैं, उतना हमारी तरह परिश्रम नहीं करना, उनको सोचना नहीं पड़ता। मंगलवार है, नवरात्रे हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, जस्ट डू इट। नाइके जूतों का स्लोगन है, जस्ट डू इट, जो करना है कर लो। पर मनुष्य जीवन ये नहीं है। मनुष्य जीवन क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मे न ही न पशु भी समाना। धर्म ही एकमात्र विशेषता जो किसके पास है? मनुष्य के पास है। पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए जो सभ्य मनुष्य हैं उनमें से कुछ जो हैं, जो सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, वो धर्म को समझते, धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं। परंतु भागवतम की शुरुआत में ही बोला कि धर्म तो वास्तविक धर्म भी हो सकता है और कैटअप धर्म भी हो सकता है, चीटिंग रिलीजन भी हो सकता है। लग रहा है कि हम धार्मिक हैं, खुद को भी लग रहा है और बाहर वालों को भी लग रहा है, पर वास्तव में धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर डेफिनेशन, कोई बाहर का व्यक्ति हमसे पूछे, क्योंकि आप सब तो प्रचारक है, नहीं गीता का प्रचार करते हैं, सबको गीता बांटते हैं, भागवत बांटते हैं, उनको बताते हैं, कोई पूछ सकता है धर्म क्या है, तो बहुत सुंदर परिभाषा प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं पढ़ूंगा, चार चीज़ें धर्म का मतलब चार चीज़ें। प्रभुपाद जी कहते हैं, रियल रिलीजन मीन्स टू नो गॉड। वास्तविक धर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले समझना कि भगवान कौन है। दूसरा, आर रिलेशन विद हिम, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तीसरा, व्हाट आर आर ड्यूटीज इन रिलेशन विद हिम, संबंध समझ गए, अब मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। और चौथा, एंड टू नो अल्टीमेटली आर डेस्टिनेशन आफ्टर लीविंग दिस मटेरियल बॉडी, ये देह, भौतिक देह त्यागने के बाद कहां जाएंगे, क्या हमारा लक्ष्य है, इसको जानना, ये धर्म है। क्या क्या चार चीजें हैं? पहली चीज कौन बताएगा, हाथ हाथ खड़ा करके, वरना तो कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ जी भाजी, वेरी गुड, भगवान को जानना। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान गीता में खुद बताते हैं, हम कैसे जानेंगे भगवान को? भगवान को जानने के भी दो तरीके हैं, एक प्रोसेस है असेंडिंग प्रोसेस, हम ढूंढेंगे भगवान को, हम अपने तरीके से पता लगाएंगे, उस पर पता नहीं कितने कितने, अरे भाई कैसे पता लगाओगे, कितने कितने जन्म निकल जाएंगे तब भी प्राप्ति ज्ञान की नहीं हो पाएगी कि भगवान कौन है। दूसरा क्या है? डिसेंडिंग प्रोसेस, वो क्या है? भगवान स्वयं बताएंगे। बच्चा पता लगाए मेरी माँ कौन है, पता लगा पाएगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस से पता लगाए पिता कौन है, पता लगा पाएगा? नहीं। सबसे अच्छा क्या है? शब्द प्रमाण। माता ने बोल दिया मैं तेरी माँ हूँ, माता से बच्चे को क्या पता माँ बोलते हैं, वो तो कोई जवान लेकर तो नहीं आया, मतलब जवान तो लेकर आया पर उसको नहीं पता, उसको माँ ही बताती है मैं तेरी माँ हूँ। और जब माँ बताती है मैं तेरी माँ हूँ तो माँ का कलेजा बड़ा नहीं हो जाता, उसका अहंकार बढ़ नहीं जाता। कोई लोग कहते हैं अरे भगवान को आप भगवान बोलते हैं, ये खुद ही अपना अपने आप को ऊपर बिठाया हुआ है, सिंहासन में बोल रहे मैं भगवान हूँ। तो भगवान जब हमें बता रहे हैं कि वो भगवान हैं तो किसके हित में बता रहे हैं? हमारे हित में। क्योंकि यदि हम ये नहीं समझेंगे कौन भगवान है तो धर्म का कैसे पालन करेंगे, और ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन बन जाएंगे हम? द्विपाद पशु, पशु आहार निद्रा भय मैथुन। तो भगवान हमारे हित के लिए बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम। जो इस बात को जान गया कि मैं ही सब कुछ हूं, क्या करेगा? बुधा भाव समन्विता, वो पूर्ण रूपेण मेरी भक्ति सेवा में लग जाएगा। वास्तव में बताते हैं, हालांकि भगवद्गीता में 700 श्लोक हैं पर एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है, एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। परंतु ये इतना बड़ा डायलॉग क्यों हुआ अर्जुन में और भगवान कृष्ण में? ये तो मूवी चल रही थी, ड्रामा, और ड्रामा। अर्जुन तो भगवान ने पहले ही बोला, भगवान अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। अरे भाई भक्त हैं तो सखा है तो उनको गीता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन की बुद्धि के माध्यम से जितने हम सबके, जितनी तरह के प्रश्न हो सकते हैं वो सब भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछवा दिए और उनके उत्तर हम सबको दिलवा दिए। तो वास्तविक धर्म में सबसे पहले क्या समझना है कि भगवान, भगवान कौन है?
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो ये हो गई धर्म की पहला एलिमेंट टू नो गॉड। सेकेंड क्या बता, हाथ खड़ा करके। हाँ जी भाई जी, वेरी गुड। हमारा भगवान से क्या संबंध है, कहाँ दिया है? गीता में, ममे वंशा जीव लोका जीव भूता सनातन। तुम मेरे अंश हो, अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ की तरह घूम रहे हो। कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा सुख, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, किसको अपना माई बाप बनाऊँ, कौन सी कंपनी में जॉब करूँ, उसके 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 जनरल मैनेजर को अपना माई बाप बना लूँ, सीईओ को माई बाप बना लूँ, अपने कस्टमर को बना लूँ। लोग यही बोलते हैं ना, मेरा कस्टमर ही मेरा भगवान है, मेरे पिता ही मेरे भगवान है, है ना। जापान में जाएंगे, जापान जितने जापानी लोग हैं सबके सामने प्रणाम करते हैं, ऐसे करके प्रणाम करते हैं। तो नहीं, हम किसके अंश हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, यानी भगवान स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो धर्म का दूसरा पहला एलिमेंट कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। दूसरा पार्ट, हमारा भगवान से क्या संबंध है, क्या संबंध है, हम उनके दास हैं। ओम जय जगदीश हरे, हमारी मांगे पूरी करे, उसके उसके जेब में हम नोट धरे, छोटे छोटे वाले वो नहीं। प्रभुपा जी ने कहा ये तो व्यापार है ना। प्रभुपा जी क्या अमेजिंग, क्या संत है प्रभुपा जी, सबकी आंखें खोल दी पूरे संसार में। हम सब भी तो अधिकांश है ना, अपना तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अधिकांश लोग हम धर्म कौन सा पालन करते थे, कैट अप धर्म, चीटिंग रिलीजन नहीं, व्यापार करते थे, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करोगे तो सोमवार को छोड़ के, मंगलवार वाले हैं मंगलवार छोड़ के, आजकल वीरवार वाले आ गए हैं सबके मालिक, अलग अलग तरीके बन गए। नहीं, पर हम कौन हैं, भगवान के अंश हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है। तीसरा पार्ट ऑलरेडी हो गया, तो एनीवे पहला कि भगवान, दूसरा हमारा भगवान के बीच में संबंध, तीसरा। हाँ जी माता जी, माता जी वेरी गुड। हमारा क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, मैंने बताया ना, एक एक श्लोक अपने में पूर्ण है। ममे वंशा जीव लोका जीव भूता सनातन, भगवान स्वामी हैं, उनके अंश हैं, तो वो थोड़ा हमारी सेवा करेंगे, उनका कर्तव्य नहीं है हमारी सेवा करना, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। भगवान गीता में ही बता रहे हैं हमें उनकी सेवा में लगना है। और चौथा एलिमेंट क्या है धर्म का, चौथा एलिमेंट क्या बताया था? हाँ जी प्रभु जी, हमारा असली असली घर, वेरी गुड। हमारा असली घर कहाँ पर है, इस भौतिक देह को त्यागने के बाद हमें क्या, हमारा गंतव्य स्थान कहाँ पर है। प्रभुपाद जी ने बोला ना, प्रभुपाद जी जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट गए, आप सबने सुना होगा, MIT में गए, तो वहाँ पर पूरा प्रभुपाद जी को दिखाया, कैंपस पूरा घुमाया, और घुमाने के बाद प्रभुपाद जी का प्रवचन था, तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन आरंभ किया और बोला, आपका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफ सोशोलॉजी जूलॉजी दिस साइंस डैट साइंस सब कुछ पढ़ाते हैं, टेल मी वेयर इज द डिपार्टमेंट विच टीचेस द साइंस ऑफ सोल, कहाँ पर है वो विभाग जो आत्मा की शिक्षा देता है, टेल मी वेयर इज द डिपार्टमेंट विच टीचेस व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, उसके बारे में कोई विभाग है? कोई नहीं। हर रोज हम देखते हैं, देखिए संसार में हर रोज कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना, कोई ना कोई, कितने कितने लोग जा रहे हैं, और जब कभी जाते हैं, कभी आस जान पहचान वाले के यहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पे सब का कॉन्शियसनेस क्या होती है, अगर किसी फ्यूनरल में जाएं, सबकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, अरे दिशा कहाँ पे रखनी है, लेफ्ट रखें, राइट रखें, नॉर्थ रखें, साउथ रखें, ऊपर उठाएं, पैर यहाँ करें, मुंह यहाँ करें, चादर ठीक करें, माला पहनाएं, सब उसकी चिंता कर रहे हैं, अग्नि दें, है ना, वो पीछे घास फेंकें, सब क्रियाक्रम की वो हो रही है, चिंता हो रही है, परंतु शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ गई, उसके बारे में कोई जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा नहीं, बस अपना वहाँ पे काम, वो क्रियाक्रम पूरा किया और हाथ झाड़ के वापस आ गए, हो गया जी सब बढ़िया हो गया, है ना। मुझे याद है जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, 2016 की बात है, तो हम लोग गए हरिद्वार में, गए जाना पड़ता है वो सब कार्य करने के लिए, वहाँ गए तो वहाँ पर होता है वो चारपाइयाँ देते हैं और पलंग देते, पता नहीं संदूक देते हैं, इतने का ये संदूक, इतने की ये चारपाई, ये सब किया, वो जो भी है पंडित जी हैं वो जो करते हैं करते हैं, हमारे घर वाले साथ में थे, तो सब कुछ किया, और उसके बाद उनके कमरे में जाना पड़ता है, वो उनका जो बही खाता है उसमें लिखवाते हैं पूरा ना, अपनी फैमिली हिस्ट्री का पूरा एंट्री कराते हैं। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा
कि आपका भगवान के बारे में क्या विचार है। वो कहते हैं जी किसने देखा है भगवान को। अब बताओ जो व्यक्ति बैठकर वहां पे सब का पूरा प्रोसेस कर रहा है वो क्या बोलता है कि किसने देखा है भगवान को। और लोग संसार के बस इसी को सब कुछ समझ लेते हैं, परंतु नहीं, हमें देह त्याग कर आत्मा कहाँ गई। कहाँ गई तो मतलब किसी भी योनि में जा सकती है, परंतु वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। धर्म का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला ये भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ गई। इसका मतलब भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जो कि आध्यात्मिक है उसको एक आध्यात्मिक स्थान पे जाना होगा। माम उपेत्या कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके हे कुंती पुत्र पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये वास्तविक धर्म है, भगवान को जानना, भगवान और हमारे संबंध को जानना, भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसको जानना। और चौथा क्या बोला, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें क्या, जब तीनों चीज जान ली, कर्तव्य जान लिया, कर्तव्य किया, तो क्या होगा वो स्थान, उसके बारे में जानना, ये धर्म है। और ये धर्म कहां दिया है, ये धर्म भगवद गीता में दिया है और ये धर्म श्रीमद् भागवत पुराण में दिया है। तो इसी धर्म का हमें पालन करना है। अनन्य चेता सतताम, भगवान बोलते हैं ना, क्या है, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्य सा तस्य हम सुलभ पार्था। मैं बहुत सुलभ हो जाता हूं, भगवान जो कहां कितना दूर बैठे हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि जान नहीं सकते कितना दूर बैठे हैं, भगवान कहते हैं मैं बहुत सुलभ हो जाता हूं। जैसे सुलभ हो गए श्री राधा मदन गोपाल, दर्शन दे दिए अभी भी, श्री गौर नेता का क्या नाम है, निताई चांद गौर सुंदर, गौर सुंदर श्री निताई चार गौ निताई चांद गौर सुंदर की, श्री राधा मदन गोपाल की, श्री प्रभुपाद की। तो अनन्य चेता सतताम, जो सदैव भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसके लिए भगवान बहुत अधिक सुलभ हो जाते हैं और भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। और जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, माम उपेत्या कौन्तेया पुनर्जन्म विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। परंतु उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अनन्य चेता सततराम, अनन्य भाव से भगवान की सेवा में लगना होगा। जो गीता का 12वां अध्याय है उसमें भगवान ने ही बोला, भगवान ने बोला कि अनन्य भाव से अपना मन और बुद्धि पूर्ण रूपेण मुझे अर्पित कर दो, अपना चित्त मुझे अर्पित कर दो अर्जुन। अरे भाई हम तो गृहस्थ हैं, अधिकांश तो गृहस्थ हैं, कहां से चित्त अर्पित कर दें, दफ्तर में जाएंगे, घर में जाएंगे, बच्चों का भी ध्यान आएगा, नौकरी का भी ध्यान आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, चित्त कहां से अर्पित कर दें। तो भगवान ने क्या बोला, कोई बात नहीं अर्जुन, अगर पूर्ण रूपेण चित्त अर्पित नहीं भी कर सकते तो क्या करो, अभ्यास योग का प्रयास करो। ठीक है, अभ्यास योग प्रयास कर लेंगे, पर हफ्ते में एक बार ही तो आप आएंगे मंगल आरती में, हर रोज कैसे आ जाएंगे मंगल आरती में। भाई ऑफिस वाले रात को 11 बजे छोड़ते हैं, घर 12 बजे पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ खाना पड़ता है, सुबह 3 बजे कैसे उठ जाएंगे, संभव है, संभव नहीं है। तो अभ्यास योग भी पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर सकते, तो क्या करो, भगवान ने कहा मेरे लिए कर्म करो अर्जुन, जब मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हें वही लाभ प्राप्त होगा जो मुझे अनन्य भाव से चिंतन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो भगवान के लिए कर्म कैसे करें, प्रभुपाद जी वहां तत्पर में कहते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स कैपिटल लैंड लेबर एटसेट्रा। और चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, प्राणे अर्थे दिया वाचा, सबसे बेस्ट है क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा और मुझे लक्ष्य प्राप्त करना भगवान के धाम जाना, तो क्यों ना पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा करूं, क्यों ना अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दूं। पर नहीं नहीं मैं तो गृहस्थ हूं मैं कैसे कर सकता हूं, तो प्राण नहीं दे सकते तो अर्थ है, अपना अर्थ दो। अर्थ मतलब जो नौकरी करते हो, धंधा करते हो, व्यापार करते हो, उसमें कमाते, क्यों नहीं आ पाते मंदिर, हम गृहस्थ लोग मंदिर में क्यों नहीं आ पाते, ज्यादा सेवा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। तो अब उससे अनासक्त हो, उसके फल को भगवान को अर्पित करो। नहीं वो भी कर सकता हूं पर कलयुग का प्राणी हूं, कंजूस हूं, थोड़ा थोड़ा करूंगा। आज सुबह रामभद्र प्रभु आए थे हमारे मंदिर, उनका भागवतम क्लास थी, वो बता रहे थे अभी भी गुड़गांव टेंपल का ओपनिंग हुआ, आप जानते हैं गुड़गांव टेंपल का बहुत सुंदर ओपनिंग हुआ था, वो भी आपकी तरह बहुत ही आलिशान मंदिर है। तो बता रहे थे कि बाद में जब ओपनिंग हो गया तो
तुमने हुंडी बॉक्स खुलवाया, क्योंकि होता ना कि थोड़ा लक्ष्मी आई होगी भगवान की सेवा के लिए, तो हुंडी बॉक्स खुलवाया तो 40% जो उसमें नोट हैं वो सड़े हुए नोट थे, बता रहे थे वो। मतलब हम कलयुग के जीव हैं, सबसे सड़ा हुआ गला हुआ छोटा नोट है भगवान के सामने डाल रहे, कंजूस है, क्या करें। तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दिया अपनी इंटेलिजेंस यूज करो। इंटेलिजेंस कैसे यूज करो? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप सबने इंटेलिजेंस यूज की, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसका अपना अपना मोबाइल में पहले सूची बनाएं पूरी, क्या क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, अच्छा किसको फ़ोन करें, किसको व्हाट्सएप मैसेज करें, इससे कैसे बात करें, इससे कैसे बात करें, कहाँ पर बुक टेबल लगाएं, किस फैक्ट्री में जाएं, किस दुकानदार से बात करें। यही किया ना आप सबने? यही किया। कैसे किया? ऐसे किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप सबने? कैसे किया? हाँ या नहीं बताइए। ऐसे ही किया। तो दिया हमने क्या किया? अपनी इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में लगाई। और वाचा, इंटेलिजेंस भी ज़्यादा काम नहीं करती, तो वाचा बुक ले लो, बुक ले लो। कई बार सड़क पे खड़े होते हैं, बुक ले लो, गीता सामने गई, बुक ले लो, बुक ले लो, बुक ले लो। ये सब एब्सोल्यूट है, भगवान की सेवा एब्सोल्यूट। भगवान की सेवा में कोई बड़ी चीज़ और कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो भी जिस भी तरीके से सेवा कर सकते हैं, सेवा करनी है, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके हमें शुद्ध कर देते हैं और जो हमारा गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंचा सकते हैं। और उसकी गारंटी कौन दे रहे हैं? शिला प्रभुपाद स्वयं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई पर्सनली गारंटी दैट ईच एंड एवरी बुक डिस्ट्रीब्यूटर विल गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी गारंटी है। भगवान, बड़ी विचित्र बात है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भगवान स्वामी है, सबसे बड़े, हाँ सबसे बड़े स्वामी है, सबके स्वामी, महेश्वरम। हाँ, परंतु भगवान को स्वामी बनने में आनंद नहीं आता। भगवान को आनंद किस में आता है? दास बनने में आनंद आता है। किसका? अपने दास का दास बनने में भगवान को आनंद आता है। तो क्योंकि भगवान राधा मदन गोपाल जी के शुद्ध भक्त, श्रीला प्रभुपाद ने कह दिया, आई गारंटी दैट ईच एंड एवरी बुक डिस्ट्रीब्यूटर विल गो बैक होम बैक टू गॉडहेड, तो राधा मदन गोपाल जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंधे हैं। क्यों? प्रेम से बंधे हैं। भगवान हमें प्रेम चाहिए। हमें प्रेम क्यों चाहिए? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो जो भगवान के गुण है वही हम में गुण है, है ना। इसलिए हम प्रेम ढूंढते हैं, क्योंकि भगवान का गुण है प्रेम। और भगवान को प्रेम किससे मिलता है? अपने भक्तों को प्रसन्न करने से प्रेम मिलता है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, ग्रंथों का वितरण करना, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से पता नहीं कौन कहाँ पर कैसे किस कंडीशन में किस परिस्थिति में किस मनस्थिति में बैठा है, और एक पेज पढ़ ले, एक लाइन पढ़ ले, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई एम श्योर मैराथन से पहले आपका सेमिनार हुआ होगा, है ना, और आपको डिटेल में बताया, कई स्टोरीज आप सब सुन चुके होंगे कैसे कैसे लोग भक्त बनते हैं। बस एक दो मैं शेयर करूँगा। हम लोग प्रभु जी के साथ ही GBC कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पर हमारे एक भक्त हैं लेबनान से, लेबनान एक अरबिक कंट्री है, तो उनसे हमने पूछा कि आप प्रभु जी भक्ति में कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि वो लोग लेबनान में बहुत ज़्यादा आतंकवाद रहता है कई सालों से, तो वो छोड़ छाड़ के कनाडा चले गए थे परिवार के साथ। तो वहाँ पर उनके माता पिता और दो भाई, उनका जो छोटा भाई है वो किसी तरह से हरिनाम पार्टी निकल रही थी, हरिनाम वालों से अट्रैक्ट हुआ, हरे कृष्णा से अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा वालों से जुड़ गया, किताबें पढ़ने लगा, कुछ माला वाला करने लगा। तो अब वो अरबिक लोग हैं, उन्होंने कहा ये क्या हो गया हमारे बेटे को? तो माता पिता ने कहा इसको तो पूरा समझाया, डांटा, जो भी कर सकते थे किया, वो छोटा बेटा बिल्कुल बात नहीं मान रहा था। तो उन्होंने बड़े बेटे को बोला कि भाई तू ऐसा कर, तू कोई योजना बना अपने भाई को, तू ही समझा, हमसे तो समझ नहीं रहा। तो बड़े भाई ने भी प्रयास किया, कुछ हुआ नहीं। तो उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं ना इसी की किताब पढ़ के इसी को हराऊंगा। तो इस भाव से, इस चैलेंजिंग स्पिरिट से कि अपने भाई को मुझे हरे कृष्णा से नीचे उतारना है, उन्होंने क्या उठा ली? भगवद गीता उठा ली। पर भगवद गीता कौन सी थी? श्रीमद भगवद गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस भाव से गीता उठाई, पढ़नी शुरू की, पढ़ते पढ़ते, अब छोटा भाई तो अभी भी छोटा ही है भक्ति में, पर जिन्होंने गीता पूरी पढ़ ली वो इतने मोटे भक्त बन गए कि अब वो पूरी अरबिक कंट्रीज में, दुनिया में जितने भी लोग अरबिक भाषा पढ़ते हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, भगवद गीता से जोड़ रहे हैं, केवल एक पुस्तक पढ़ने मात्र से। अनेकों 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 स्टोरीज हैं इसकी, कितने कितने उदाहरण हैं, साक्षात
लोग जो हैं मृत्यु किसके लिए, सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए रेडी खड़े हैं, परंतु गीता सामने आ गई, प्रभुपाद जी की पुस्तक सामने आ गई, उनका जीवन बदल गया। तो हमें इस कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, है ना। 25,000 है ना, 1,00,000 के बहुत नज़दीक है। आप थोड़ा प्रयास करिए, प्रभुपाद जी कहते हैं डबल इट, तो क्या विचार है आपको, डबल करना चाहिए। तो वैसे परम पूज्य गोपाल की कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि हम सब तो मैराथन करते हैं, पर हमारा मैराथन 1 महीने का 1.5 महीने का होता है, पर माया का मैराथन 12 महीने का होता है। होता है ना जी, माया तो पूरी। अब अगली बार हम आएंगे 2 महीने बाद, और कितने होर्डिंग, चलचित्र, क्या क्या हो चुका होगा यहाँ पे। तो माया देवी तो काम फुल टाइम कर रही है, 24/7 काम कर रही है। तो हमारा मैराथन भी होना चाहिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए। महाराज हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, हालांकि गृहस्थ हैं, परंतु फिर भी हम प्रयास करना चाहिए कि पूरा साल, चाहे इतना टाइम ना भी दें, कुछ कुछ टाइम दें। जैसे इस गेस वैशाषिका प्रभु का एक बहुत सुंदर वो है, MSF मंथली संकीर्तन फेस्टिवल, वो आई एम श्योर प्रभु जी भी, आई थिंक वो प्रभु जी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे अपने फ्रीवाद में, मंथली संकीर्तन फेस्टिवल। तो महीने में एक बार सब गृहस्थ इकट्ठे हों, चाहे स्थान अलग अलग हों, परंतु महीने में एक दिन सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर जाना है। जा सकते हैं? बहुत कठिन है, जा सकते हैं? जाने का प्रयास करेंगे? तो आप जाएंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि बुक्स हम नहीं बांटते, बुक्स कौन बांटते हैं? भगवान बुक्स बांटते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं। एक और छोटी सी घटना, आप सबके भी बहुत रोचक घटनाएं हुई होंगी यहाँ पर भी। हमारे ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो गए पानीपत, गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 5-6 भक्त थे तो बांट रहे हैं, तो एक जो ब्रह्मचारी है उनको कोई नहीं मिल रहा, वो कोई ले नहीं रहा उनसे बुक, तो चौराहे के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा वहाँ भी भक्त, सारे भक्त बिजी है, मैं अकेला हूँ, कोई ले भी नहीं रहा। वो चौराहे के बीच में खड़े हो गए, दिखा रहे हैं बुक, बुक दिखा रहे हैं। एकदम से पीछे से कोई व्यक्ति आया, उसने ऐसे किया, उन्हें पीछे मुड़ा, जैसे ही मुड़े उस व्यक्ति ने हरे कृष्णा ऐसे बोला, बड़े आदर से इनको किया। तो इन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया। वो उसने कहा आप क्या कर रहे हो? इन्होंने बोला गीता का प्रचार कर रहे हैं, गीता है हमारे पास, गीता बांट रहे हैं। तो गीता बांट रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। इन्होंने कहा यार ये क्या बात है, पता नहीं क्या है, कहाँ लेकर जाएगा मुझे। तो मोटरसाइकिल बिठाया और पता नहीं कहीं दूर, सारे भक्त वहीं पे आइए, उनके पीछे चले गए भी जो कोई लेके जा रहा है। उसने कहा मैं आपको ना अपने वो मालिक से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। तो ये घबरा भी गए, पर फिर भी अब मोटरसाइकिल के पीछे बैठे और उस व्यक्ति के साथ चले गए और उस व्यक्ति के ऑफिस में पहुंच गए। जब ऑफिस में पहुंचे उसने कहा आप बैठो, अभी मेरे मालिक हैं, वो आने वाले हैं, आपको मिलेंगे। अब इनको लगा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वहाँ कम से कम कुछ ना 2-3 को तो मिल लिया होता, कुछ ना कुछ गीता निकल गई होती, इतनी दूर लेकर आया है, अब मालिक आएगा पता नहीं क्या बोलेगा। वो मालिक आया, जैसे ही मालिक आया उसे पैरों में पड़ गया, उसने प्रणाम किया, स्वामी जी आप कहाँ से? बताया जी हम इस कौन से आए हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये गीता है, गीता। अरे गीता मैं भी सोच रहा था, मुझे भी गीता चाहिए थी कुछ। कितनी गीता है आपके पास? इन्होंने कहा 64 गीता है। अभी दे दीजिए मेरे को 64 गीता। और हमारी भक्त है उनकी उस टाइम गाड़ी खाली हो चुकी थी, मतलब उनके पास बची ऐसी थी 50-60 बची होगी। इन्होंने फटाफट फ़ोन किया तो जो भक्त बांट रहे थे उन्होंने जिसको दे रहे थे हाथ से खींच ली वापस, क्योंकि बची तो ली थी वो 64 गीता उनको दी। फिर उसने कहा कि इनको 64 गीता ली, उन्होंने पैसे दिए और ये आ रहे थे, इनको लगा यार ये तो बड़ा पायस व्यक्ति है कि उन्हें इसका थोड़ा नंबर बढ़ा दूँ। तो उसके बाद वापस गए कि प्रभु जी वैसे तो आप इतना शुभ काम कर रहे हो तो आप क्यों नहीं 108 गीता करते? कहता 108 गीता चलो चलो करूँगा, 1-2 दिन के बाद करूँगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो आज ही वापस जा रहे हैं। अच्छा आज वापस जा रहे हैं, चलो ठीक है आप लेकर आओ मैं कर दूँगा देखता हूँ। तो ये फटाफट गए, फिर वहाँ पे लोकल सेंटर है वहाँ बात की, वहाँ से कुछ और गीता पकड़ी, यहाँ पर आए वो गीता भी जली 108 गीता हो गई। तो एक एक डिवोटी जो सड़क पर खड़ा है कोई गीता नहीं ले रहा, उनसे कोई गीता नहीं ले रहा, पर वो क्या हुए, हार नहीं मानी, वहाँ पर खड़े रहे, है ना। इस ग्रेस मोहन प्रभु जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर निकल जाओ, बस निकलना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, निकल जाओ बाकी सारा काम प्रभुपाद जी करेंगे। हार नहीं माननी, निकलना जरूर है बाहर। वो डटे रहे, बैठे नहीं खड़े रहे, व्यक्ति खुद आया 108 गीता लेकर उनसे चला गया। तो ऐसी बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं आपके यहाँ भी हुई होंगी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सब ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और प्लीज़ करते रहिए और इस बात पे सदैव कॉन्फिडेंट रहिए कि प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जब बनाई संस्था तो 7 पर्पज़ बनाए, है ना, आप सबको पता भी होंगे। उसमें जो 7th पर्पज़ है वो क्या है, टू अटेन दी अफोर मैंशनड पर्पजेज, जो पहले जो भी बताए हैं पर्पज संस्था के, उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या है, टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो हमारी संस्था की नींव है ग्रंथों को
वितरण करना, ग्रंथों का अध्ययन करना और ग्रंथों का वितरण करना, खुद अध्ययन भी करना है और वितरण भी करना है। और साथ के साथ इस ग्रेस मोहन प्रभु हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि जिनको किताब बांटी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनको फ़ोन करिए, फॉलोअप करिए, उनको मंदिर बुलाइए भी, है ना, मंदिर बुला के उनको गीता पढ़ाइए भी, समझाइए भी, और उनको भक्त बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे कई कई योजनाएं हो सकती हैं, तो आप सब प्लीज़ लगे रहिए और अगली बार प्रयास करिए। अगर प्रोजेक्ट ठीक समझेंगे तो आप ना 50,000 का ट्राई कर सकते हैं और अभी से लग सकते हैं, करें ट्राई इस बार 50,000, इस साल का मिशन बन जाए 50,000 भगवद्गीता। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के, श्रील प्रभुपाद के, इस्कॉन बहादुरगढ़ भक्त वृंद के, समवेद गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग हृदय को हृदय से धन्यवाद निकाल करके आए, हम लोग को इतना सुंदर संग दिया अपना, इतनी सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टोरी सुनाई। और आप लोग को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रभु जी के नेतृत्व में इस्कॉन फरीदाबाद ने 1,00,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया इस साल। तो प्रभु जी के नेतृत्व में बहुत सारे गृहस्थ भक्त मिल करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रभु जी के नेतृत्व में इस्कॉन फरीदाबाद स्मॉल टेम्पल्स में नंबर वन पोजिशन पर आया हुआ है टीचिंग सेंटर। तो हम प्रभु जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी चीज और कि वास्तव में हम भक्ति में कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते, भक्ति पूर्ण रूपेण निर्भर है भक्तों की कृपा के ऊपर। बस भक्त की बात सुनते रहिए, मानते रहिए, जो प्रभु जी बता रहे हैं नित्यानंद आश्रम को, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं वो सुनते रहिए, करते रहिए। हमारा भी इस पर हुआ 1,00,000 जो भी कुछ समथिंग बुक डिसीजन हुआ, परंतु मैं यहाँ बोल तो रहा हूँ हार नहीं माननी चाहिए, बट पर्सनली थोड़ा हार मान लेती है, प्राइस बढ़ गए बुक्स के, कैसे होगा। प्रयास कर भी रहे थे, खुद भी करता, भक्ति कर रहे थे, परंतु फिर भी लग रहा था कि 70-75,000 से ऊपर नहीं हो पाएगा, और लग रहा था कि 80,000। प्रभु जी का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया कि प्रोजी कुछ जो टारगेट किया था हो नहीं पाएगा, महाबल को फ़ोन किया तो आप बुक्स कहीं और भेज दो, तो उन्होंने मोहन मुझे को रिपोर्ट किया प्रोजी का कहीं फ़ोन आ गया। तो बोला अरे क्या हो गया, तो प्रोजी इस बार तो हो नहीं पा रहा तो कम है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई, तुम ट्राई करो 1,00,000 तो आप कर लोगे आराम से। बस सिर्फ उन्होंने कहा और उनके कहने से हमें हिम्मत आई कि चलो फिर से प्रयास करना शुरू करते हैं, और फटाफट, ये मतलब मेरा तक खत्म होने से 5-6 दिन पहले की बात है, वो फटाफट एकदम से 1,00,000 से ऊपर हो गई। तो बस भक्तों की शरण लेनी है और भक्तों की बात सुनने का हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस विशेष उत्सव में, और आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2022 के अवार्ड सेरेमनी के लिए। हरि बोल। बीच में इस गोपेश्वर प्रभु जी उपस्थित हैं, तो इनके कर कमलों से हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सभी लोग प्रभु जी के हाथ से गिफ्ट्स और पुरस्कार अभी स्वीकार करेंगे प्रभु जी के लिए। तो आप सभी लोगों को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे बहादुरगढ़ कम्युनिटी ने इस गेस्ट नित्या में आश्रय प्रभु जी की प्रेरणा से सभी हम सभी लोगों ने मिल करके टोटल 25,000 भगवत गीता का वितरण किया है। और हमारा जो इस्कॉन बहादुर का टेंपल है ये NITC में पिछली बार स्मॉल टेंपल में सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन इस बार अपग्रेड हो गया है, हम मीडियम टेंपल में आ गए हैं, तो मीडियम टेंपल में 3rd पोजीशन पे इस्कॉन बहादुर का स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल प्राइस अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर ग्रुप वाइज प्राइस।
जी को, क्योंकि स्कॉन भादुरगढ़ को जो NIDC की तरफ से मीडियम टेम्पर में थर्ड पोजीशन प्राप्त हुआ है, तो उसका अवार्ड और सर्टिफिकेट हमें स्कॉन भगवान ने इनको इसी तरह लगे रहे, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं।
और हम बुलाना चाहेंगे फर्स्ट प्राइज और तो थर्ड पोजीशन पे काशीनाथ प्रवर पांडसों की माता जी ने 802 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए। सहयोग घटना के पहले सेकंड पोजीशन पर 1168 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए 1108 और फर्स्ट पोजीशन पे 1207 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है इस देश श्रेष्ठ अधिकारी प्रभु एंड रीना माता जी। और
500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उन्होंने किए हैं।
प्रसिद्ध स्कॉलर हैं, इनके मुंह पे शास्त्र वैसे ही निकलते हैं जैसे लोग कविताएं पढ़ते हैं।
अब हम आमंत्रित करेंगे इसलिए सर्वेश अक्षय प्रभु और हरदेश गोपी गीता माता जी को। घरों में जाकर के लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
कुणाल प्रभो, अविनाश
करेंगे ग्रुप प्राइज को। तो ये जो ग्रुप अवार्ड्स हैं, इसमें जो भी लीडर हैं, लीडर का नाम अनाउंस होगा, उनके साथ में जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप में, वो सभी लोग प्लीज आइएगा। तो ये लीडर्स की जिम्मेदारी है, ग्रुप के सारे भक्तों को लेकर आएंगे और अवार्ड मिलने के बाद जाना नहीं, अपने स्थान भी वापस जाना है। प्रसाद तभी शुरू होगा जब पूरा अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाएगा। तो हम भक्ति रक्षा लीडर्स के नाम अनाउंस करेंगे, तो प्लीज आप लोग आइएगा अपने सारे मेंबर्स के साथ, और सब लोग प्रभु जी के साथ एक फोटो क्लिक करेंगे आप सब लोगों का, और फिर लीडर को अवार्ड दिया जाएगा, और फिर बाद में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ग्रुप अवार्ड्स में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज अनाउंस करूंगा मैं। थर्ड प्राइज का टोटल भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूटेड है 1155 भगवदगीता। तो इसके द्वारा छोटे छोटे बच्चों को
की तेरी भक्ति माता जी जगत प्रिया माता जी के ग्रुप को जो भी बच्चे हैं तेरी अस्थि माता जी के साथ आ सकते हैं हरकृष्ण तेरी भक्ति इसको हम यूथ फोरम में होकर के भाग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हम इनवाइट करते हैं इसको हम यूथ फोरम बहादुरगढ़ के ग्रुप को हिस्से नाम कीर्ति प्रभु जी
Thank you.
शिला प्रभुपाद